हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि आपके मंडी प्रसाद एग्ज़ाम के लिए मैं समय काम कर रहा हूं, क्योंकि मंडी प्रसाद आपका एग्ज़ाम 22 मई को होने वाला है। इस 22 मई के एग्ज़ाम में आपके पास अभी से एक हफ्ता का टाइम है, एक वन वीक का आपके पास टाइम है। जिस एग्ज़ाम में आपका 30 क्वेश्चन JKGS का आने वाला है, तो मैं कुछ महत्वपूर्ण JKGS के सीरीज लेकर आया हूँ, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए हैं। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से सिविल ज्ञान पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अन्यथा आप सिविल ज्ञान से आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पर है, तो आपका 7वें स्थान पर है। अगर बात करें पहले स्थान पर कौन है, तो भारत किससे पहले, रूस पहले स्थान पर है, कनाडा दूसरे स्थान पर है, चाइना आपका तीसरे स्थान पर है, अमेरिका आपका चौथे स्थान पर है, और पांचवा आपका ब्राज़ील है, छठा आपका ऑस्ट्रेलिया, और सातवां आपका क्या भारत है, और आठवां आपका क्या अर्जेंटीना आपका रहने वाला है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछते हैं सकता है आपसे कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से किस विश्व में कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। बाकी अन्य देशों के भी हमने बता दिया है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो जनसंख्या होती है भारत में निवास करती है। टोटल जितनी जनसंख्या है उसका 17.5% जो होता है वो भारत के अंदर निवास करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जो आपकी हेनले लूप संरचना है वो किस अंग से संबंधित है। तो आपकी हेनले लूप संरचना जो भी है किडनी से संबंधित है। बायोलॉजी का क्वेश्चन आपका है किडनी संबंधित है। किडनी का काम क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण का इसका काम होता है। जब हमारा प्योरिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो आपने सुना होगा कि डायलिसिस की क्रिया की जाती है जब सही तरीके से किडनी वर्क नहीं करती है। तो डायलिसिस की क्रिया में क्या होता है कि कृत्रिम तरीके से आपका रक्त शुद्धि करके आता है, ठीक है। जबकि हेनले लूप होती है इसका काम क्या होता है, ये पानी का जो है एब्जॉर्बेशन करती है और शोषण करती है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन इसकी क्या होती है, छोटी इकाई इसकी नेफ्रॉन सबसे छोटी इकाई होती है। यहाँ पे कुछ देश हैं और उनकी राजधानियाँ हैं और वो किस नदी किनारे स्थित है उसके बारे में है। ये भी आपका ज्योग्राफिक क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे खार्तूम जो है उसकी राजधानी क्या है, सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम है। और ये कहाँ पे है, नील नदी किनारे आपका स्थित है। अगर बात करें इटली की राजधानी क्या है, रोम है। और इटली के रोम में ही आपका EFAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी यहीं पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये कहाँ पर है, टाइबर नदी के किनारे स्थित आपका है। अगर पूछे बेलग्रेड कहाँ पर है, तो बेलग्रेड आपका सर्बिया नदी के किनारे स्थित है। और सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड है। और आपका एक डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क आपका जो हडसन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हंगरी में जो घास का मैदान होता है उसे हम लोग कहते हैं पुस्ताज घास का मैदान कहाँ जाता है, हंगरी के अंदर ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि फाइबर ऑप्टिक्स का जनक जिन्हें का हाल ही में निधन हो गया, आपको बताना है कि फाइबर ऑप्टिक्स के जनक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, तो वो थे नरेंद्र सिंह कृपानी, ये इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, इनको भी यहाँ रखना है। इन दोनों लोगों को 2021 का पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। तो पद्म विभूषण अवार्ड जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर को और नरेंद्र सिंह कृपानी दोनों लोगों को मिला है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जियोग्राफी का क्वेश्चन है। इसमें जो है कुछ जलसंधि के बारे में बात की गई है कि जैसे कि मलक्का जलसंधि है वो किन किन सागर के बीच में पाई जाती है। तो आपकी मलक्का जलसंधि है अंडमान सागर और चिलिचिन सागर के बीच में पाई जाती है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी जो है हार्म जलसंधि वहाँ पर होती है। हार्म जलसंधि जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। आपकी जिब्राल्टर की जलसंधि जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है। स्वेज नहर आपकी जो है लाल सागर और उमर सागर के बीच में है। मलक्का जलसंधि इंडोनेशिया और मलेशिया को क्या करती, अलग करती है और इन दोनों को आपस में जोड़ती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है।
क्लास की पीडीएफ भैया आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना फिर से रिवाइज को रिवाइज कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब यहाँ पे देखिए कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन है, जैसे कि आपका ग्रैंड स्लैम होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया और विंबलडन ओपन हो गया। अगर हम बात करें सन 2021 में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ओपन हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे विंबलडन हो, इन तीनों का मेंस का जो था नोवाक जोकोविच ने जीता था। नोवाक जोकोविच इन तीनों का नोवाक जोकोविच ने जीता था। अगर वुमेंस की बात करें तो यहाँ पे जीता था ऑस्ट्रेलिया में नाओमी ओसाका, फ्रेंच में जीता था बारबोरी केशिकोवा और विंबलडन ओपन का जीता किसने, एशले बार्टी ने जीता था। 2021 का रहने वाला ये है, 2021 का 2022 का नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में पुराना ही पूछा जा सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में जो UPSC JEE 2018 का 2016 का एग्जाम आपने देखा होगा, वहाँ से पुराने क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको चुना गया, तो जो बाइडन और कमला हैरिस को चुना गया। ये हैं कौन, ये हैं भैया अमेरिका की 46 नंबर के प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब और 49 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट आपके क्या कमला हैरिस, आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफी का नाम है आपको देख लेना है, यहाँ पे कौन सी ट्रॉफी है बेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है, रोइंग से है, डेविस कप टेनिस से है, डेविस इसकी ट्रिक है, डेविस की डेविस सा आ रहा है, टेनिस इसमें भी सा आ रहा है, तो इसे याद रख सकते हैं। सीके नायडू ट्रॉफी किसकी है, क्रिकेट की है। मोहन बागान क्लब के संबंधित फुटबॉल से संबंधित है, आपको ये ध्यान रखना है। थॉमस कप भी आपका किससे है, थॉमस कप आपका किससे है, बैडमिंटन से है। डोरंड कप किससे है, फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है। सुल्तान अजलान शाह कप किससे है, हॉकी से है। राइडर कप किससे है, गोल्फ से है। देवधर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे आपका है, क्रिकेट से। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं महत्वपूर्ण ट्रॉफी के, जो आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछ ही ले जाते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के पड़ोसी देशों की सीमा का क्रम आपको बताना है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमा क्रम क्या है। तो भारत के पड़ोसी देश हैं भैया बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान। ये आपके 7 देश हैं जो भारत की सीमा से अपनी सीमा लगाते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पे है, विलियम हार्वे, ये यहाँ पे कि विलियम हार्वे का संबंध किससे है, तो विलियम हार्वे जी ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज की थी, इसलिए उनका संबंध इससे है। रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। आर एस फैक्टर की खोज किसने की है, तो विनर और लैंडस्टीनर ने की है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपका जो सरस्वती सम्मान होता है वो कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन देता है। 29 नंबर का जो मिला है वासुदेव मोही को मिला है, किसके लिए, चेकबुक के लिए। और 30 नंबर को इसको मिला है शरण कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए मिला है। अगर हम बात करें अभी 2022 में 31वें नंबर का दिया गया, किसको दिया गया, ये रामदरथ मिश्रा को दिया गया। और किसके लिए, मैं तो यहाँ हूँ के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया। सबसे पहले जो सरस्वती सम्मान दिया गया तो 1991 में किसको दिया, हरिवंश राय बच्चन को दिया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। 29, 30, 31 आप ध्यान रख सकते हैं। अगर बात करें 300 नंबर का जो ब्यास सम्मान की बात करें तो ये भी शरद पगारे को दिया गया है, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है। यहाँ देखिए कि भारत की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कौन सी है। जैसे कि आपको पता है कि 40 टोटल हेरिटेज साइट आपकी है, मतलब जो विश्व धरोहर है 40 टोटल है, उसमें से 32 जो है सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, 1 आपकी जो है वो कंचनजंगा जो है आपकी मिश्रित है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। 2 शहरों में सबसे पहले अहमदाबाद और जयपुर को जोड़ा गया था, अहमदाबाद को 2017 में, जयपुर को 2019 में जोड़ा गया था। 2 नवीनतम धरोहर अभी जो जुड़ी हैं 39 नंबर की जुड़ी है, रामप्पा मंदिर तेलंगाना को जोड़ा गया, 40वें नंबर की धोलावीरा गुजरात को जोड़ा गया, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था
और ESC और अमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सिडबी, सिडबी भैया क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी हेडक्वार्टर कहाँ पर, लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ पर है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है, तो जर्मन सिल्वर भैया कापर, निकिल, जिंक, ये तो आपको पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ रखना है। कांसा में आपका तांबा तथा टिन होता है, पेतल में आपका तांबा और जिंक होता है। परमाणु संयंत्र की अगर बात करें तो तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। कैगा कहाँ पे है, कर्नाटक में। काकरापारा कहाँ पे है, गुजरात में। नरोरा कहाँ पे है, आपका उत्तर प्रदेश में है। आपको इसको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पे है, तो किबथू अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। पश्चिमी बिंदु की अगर बात करें, सरकी गुजरात में स्थित है। अगर बात करें उत्तर बिंदु, तो इंदिरा कॉल में है। अगर दक्षिणतम बिंदु बात करें, तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे कि है क्रांतिकारियों की बाइबल, तो जो आपकी सचिंद्रनाथ सान्याल, जो बंदी जीवन पुस्तक ही बंदी जीवन, तो वो जो है सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा लिखी गई थी, उसको क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। सत्य समाज, ज्योतिबा फुले, गुलाम गिरी, इनकी रचना का नाम है, और इनकी स्थापना सत्य समाज की। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। अभी हाल ही में रोष दीप का नाम बदलकर क्या कर दिया, बोस दीप कर दिया गया है। अगर बात करें पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी से मनाया जाता है पराक्रम दिवस आपका। गीता रहस्य किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की है। आपको ध्यान रखना है, और भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके अंदर हैं, तो आप लोग PDF से देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए सारे ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत है अभी बोलने में मुझको, तो इसलिए मैं पूरी वीडियो को कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। और ठीक है, आप लोग PDF से इसको देख लीजिएगा। बाकी आपको डेली इसी तरह वीडियो मिलती रहेगी। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।